नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, मानव की बाहुबलियों पर आफत आई हुई है। किस तरीके से बाहुबली माफिया के तौर पर जाने जाने वाले अतीक अहमद का पूरा खानदान परिवार जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो गया, और जिस तरीके से योगी सरकार का बुलडोजर चला वो वाकई कमाल का था, और उसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में होती है। और अतीक अहमद और अशरफ का एक साथ जो है वो दुनिया को अलविदा कह जाना वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन इस कड़ी में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर भी कम जो है योगी आदित्यनाथ के तेवर कम नजर नहीं आ रहे हैं, और लगातार बुलडोजर माफियाओं की सफाई और तमाम तरीके का अभियोजन जो है वो कहीं ना कहीं चलता नजर आ रहा है। इस कड़ी में अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि IS-191 गैंग के सरगना शार्प शूटर मुख्तार अंसारी का, जिसका नाम अंगद राय है, अंगद राय को लगातार पुलिस खोज रही थी। कई सारे मामलों में जो है वो विचाराधीन भी है, वहीं गैंगस्टर के मामले में वो कहीं ना कहीं उसको लेकर पुलिस छानबीन भी कर रही थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अंगद राय चालाक निकला और बिहार के कैमूर जिला में शराब लेकर आकर पकड़ा गया और कैमूर जिला में वो जेल में बंद है। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश का जो उस पर बुलडोजर है वो चलने का काम जारी है, और लगातार जो है अंगद राय की संपत्तियों को कुर्की का आयोजन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अंगद राय की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्की गई थी। लेकिन इस कड़ी में बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी और 191 IS जो गैंग है, गैंगस्टर और शूटर के तौर पर जाने जाने वाले अंगद राय के वाराणसी में एक डाफ इलाका है, वहां पर लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है मुख्तार अंसारी के IS-191 गैंग के सरगना अंगद राय की कुर्क की गई है, और ये 2 मंजिला आलिशान मकान था। तो अंगद राय पर लगातार भले ही जेल में बंद है, लेकिन फिर वे जो कानूनी कार्रवाई, जो योगी सरकार का बुलडोजर चाबुक जो चलता है वो ठहरने का नाम नहीं ले रहा है, और जीता जागता उदाहरण फिर से मुख्तार अंसारी के करीबी अंगद राय को है। तो एक बड़ी खबर थी अंगद राय से जुड़े मामले को लेकर, जहां पर 2 करोड़ की संपत्ति वाराणसी इलाके में जो पाई गई थी, 2 मंजिला मकान, उसको तहस नहस करने की तैयारी की जा रही है और कुर्क कर लिया गया है। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।